इस साल मानसून के दौरान आई बारिश ने दिल्ली सहित कई राज्यों का हाल बेहाल कर दिया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों से भयंकर बाढ़ आ गई। मथुरा वृंदावन में बाढ़ के बाद एक नई मुसीबत से लोगों का सामना हो रहा है। आपको बता दें कि मथुरा में आंखों से संबंधित रोग के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लोग डरे हुए हैं। समाचार सिटी 24 की एंकर नेहा सिंह भी आंखों के बेस्ट डॉक्टर के पास पहुंची। वहां पता चला कि ये बीमारी और कितना बढ़ने वाली है, इससे क्या क्या सावधानी मथुरा को बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आंखें जो कि मानव शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, आंखों में अगर कोई बीमारी लग जाए या आंखों की रोशनी अगर ना हो तो जीवन मानो बदरंग बेरंग सा होने लगता है। मानसून ने अलग अलग बीमारियों की दस्तक भी दे दी है। आज दिल्ली से लेकर अन्य कई राज्यों में कई तरह की बीमारियाँ फैली हुई हैं, जिसमें से एक है आंखों की बीमारी कंजंक्टिवाइटिस। जी हाँ, तो उसी को लेकर आज हम आ पहुँचे हैं कल्याणम करोती के हॉस्पिटल श्रीजी बाबा में, जहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर प्रतिभा बंसल जी से कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार सिटी 24 पर। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी आजकल देख रहे हैं आप, फैल रही है बहुत ज़्यादा, हम देख सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कंजंक्टिवाइटिस है क्या एक्चुअली? कंजंक्टिवाइटिस है आंखों की कंजंक्टिवा, एक लेयर होती है जी। उसका इन्फेक्शन होता है जी। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाती है, वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, आँख खोलने में दिक्कत होती है, लाइट देखने में दिक्कत होती है। मतलब जो रोज का दिनचर्या है किसी भी आम आदमी की, वो करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब काम आँखों से ही होता है। आँख में दर्द होगा, पानी आएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो काफ़ी परेशानी की महसूस करता है पेशेंट जो होता है, जिसको इन्फेक्शन हो जाए कंजंक्टिवा का, उसको बहुत दिक्कत होती है जी। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी के लिए क्या रोकथाम होनी चाहिए, क्या हमें इसकी सावधानियां ऐसी हों जो हमें बरतनी चाहिए, लोकल जनमानस को हमें आपकी तरफ से ये जानने को मिले? सबसे पहले तो जब भी आप छुएं तो आप हाथ धोकर आप छुएं, और अपनी टॉवल्स और हैंकीज और जितने आपके डिस्पोजेबल चीज़ें जैसे पेपर प्लेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें, किसी को अगर हो जाता है तो उससे बचें जी। अगर पहले तो हो ही ना, ये कोशिश करें, तो उसके लिए तो हाथ वगैरह धोने पड़ेंगे आपको, सोप्स यूज़ करने पड़ेंगे, आँखों पर गंदे हाथ ना लगाएं, और धूल मिट्टी वाली जगहों पर ना जाएं जहाँ इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, जहाँ पर मच्छर और मक्खी बहुत हैं वहाँ ना जाएं। फिर भी अगर किसी को हो जाता है घर में तो उससे बचें, उसका सामान सब अलग कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत जल्दी दूसरे घर के और लोगों में भी फैल जाता है। हाँ, जैसा कि देखा जा रहा है ना कि सिर्फ छोटे बच्चे, ये बड़ों में भी उतनी ही तीव्रता से फैल रहा है, तो उसका क्या कारण है? इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है जी, विद इन आवर्स हो जाता है ये सबको, मतलब तो कुछ घंटों की में ही सब, दो दिन के अंदर जैसे पूरे घर के 5-6 लोगों को हो गया, कई जगह देखा गया है कि 3-4 घंटे में ही हो रहा है। इन्फेक्टिविटी अभी बहुत ज़्यादा है, इसकी पीक पर है इन्फेक्टिविटी, ये अभी पीक पर है। तो मतलब इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई घरेलू उपाय क्या? एंटीबायोटिक ही डालनी पड़ती है, इसमें एंटीबायोटिक का ही यूज़ करना पड़ता है, और कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं वो डालनी पड़ती हैं। कोई घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनको हम? उपाय तो नहीं कर सकते ज़्यादा, हो जाता है इन्फेक्शन तो आपको फिर ड्रॉप्स ही डालनी पड़ेंगी जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर प्रतिभा बंसल जी, जिन्होंने इस बीमारी के बारे में बहुत सारी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और आशा करती हूं कि इन जानकारियों के साथ आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख पाएंगे। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए समाचार सिटी 24 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।